वेलकम टू ईशानी वीडियोस। भाग्यलक्ष्मी का एक नया प्रोमो रिलीज किया गया है जिसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से अब यहाँ पर लक्ष्मी एक सबसे बड़ा कदम उठाने वाली है। वो यहाँ पर मलिष्का को ढूंढने के लिए सब कुछ यहाँ पर कोशिश करने वाली है। मलिष्का उसे मिल भी जाएगी, लेकिन होगा कुछ ऐसा जहाँ पर एक मुठभेड़ के दौरान, यानी कि यहाँ पर लड़ाई के दौरान, यहाँ पर दोनों में से लक्ष्मी या फिर मलिष्का में से कोई ना कोई एक घायल होने वाला है। कौन होगा घायल, क्या दिखाया जाएगा खास, बताएंगे सारी बातें हम आपको इस वीडियो के अंदर। लेकिन उसको बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि नीलम की तरफ से यहाँ पर दबाव डाला जा रहा है लक्ष्मी के ऊपर कि आखिर में तुमने ही किडनैप किया है यहाँ पर मलिष्का को, और उसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हें उसे ढूंढ के लाना ही होगा। लक्ष्मी भी इस बात को पूरी तरह से सीरियसली लेकर आगे बढ़ती है और उसके बाद में यहाँ कोशिश करती है कि नीलम की तरफ से लगाए गए इल्जाम को वो सही साबित ना हो सके और उसके साथ साथ यहाँ पर वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। इसी वजह से वो पूरी कोशिश करती है, वो यहाँ पर सारे यहाँ पर जो अड्डे थे सब कुछ छान मारती है, जिसमें से यहाँ पर एक सबसे बड़ी हिंट मिलती है लक्ष्मी को। वो पहुंचती है एक ऐसे वेयर हाउस में जहाँ पर आया होता है विजेंद्र, और उसको उससे पहले ही यहाँ पर कहानी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आ चुका होता है। विजेंद्र को भी अब यहाँ पर कब्जे में ले लिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आप सबको देखा जाए देखने को मिले यहाँ पर लक्ष्मी मलिष्का पूरी तरह से दिख जाती है। मलिष्का अब यहाँ पर और लक्ष्मी के बीच में एक यहाँ पर कहासुनी होती है। दूसरी तरफ अभी तक यहाँ पर ऋषि की एंट्री नहीं हुई है। सोचने वाली बात है कि आखिर में ऋषि गया तो गया कहाँ। वहीं दूसरी तरफ आप सबको देखने को मिलेगा कि मलिष्का यहाँ पर किडनैप तो हो चुकी थी, लेकिन उसने यहाँ पर सारी अपनी यहाँ पर जितनी भी उसके मन में बातें थी वो सब की सब यहाँ पर लक्ष्मी के सामने रख दी है। लक्ष्मी को बोलते हुए नजर आती है कि आखिर में मैं किडनैप नहीं हुई थी, मैंने खुद का किडनैपिंग का यहाँ पर जाल रचा था जिसके अंदर तुम फंस जाओ, और यहाँ पर तुम फंस भी गई हो, लेकिन अब लक्ष्मी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद में अब यहाँ पर लक्ष्मी की तरफ से कदम उठाया जाता है। वो बोलती है कि मैं जाके यहाँ पर अभी बाकी सबको बता दूंगी। तभी यहाँ पर मलिष्का की तरफ से लक्ष्मी के ऊपर हमला किया जाता है एक चाकू से, लेकिन उस चाकू का वार उल्टा पड़ जाता है, मलिष्का खुद घायल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी भी बेहोश हो जाती है, और उसके साथ साथ आप सबको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर लक्ष्मी को होश आता है, और उसके बाद में यहाँ पर आता है एक नया ट्विस्ट। वो नया ट्विस्ट कौन सा है उसके बारे में अपडेट आपको जल्दी देखने मिल जाएगी। वैसे आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं ये नया प्रोमो देखकर कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको ऐसे ही मिलते रहेंगी। थैंक यू।